यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल था सब लोगों का? उम्मीद होगी अच्छे होगे। आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो देखी जहाँ से हमने लंडन दास में शॉपिंग की थी ब्रांडेड टॉप ब्रांडेड शूज़ की, तो उन ब्रांडेड शूज़ को अब रिस्टोर करने का वक्त आ गया है। तो लेट्स गो, अब मैं आपको दिखाता हूँ उनको रिस्टोर कैसे करना है और वो हमें कितने के पड़ेंगे रिस्टोर करके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये रहे हमारे तीन पेयर्स, तो इन तीन पेयर्स को आप करना है शुरू करते हैं रिस्टोर। तो लेट्स गो यार, इन शूज़ों को रिपेयर करने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि हमें चाहिए कुछ मटेरियल वगैरह, जो इन शूज़ों के ऊपर जो मिट्टी घटा लगा हुआ है, यानी जैसे कि इसका सोल वगैरह सारा गंदा हुआ है, इसके अंदर जो मिट्टी गई हुई है उसको साफ करने के लिए हमें चाहिए मटेरियल। मटेरियल के अंदर है, हम आपको दिखाते हैं, यह पड़ा है एक अल्ट्रा फास्ट डिटर्जेंट, ये स्लो डिटर्जेंट है, और ये है जो सोल साफ करने के लिए काम आएगा, और ये जो अंदर येलोश आपको नज़र आ रहा है ये है शाइनर। इन तीनों को हम मिक्स कर देंगे, मिक्स करके पानी के अंदर एक जार बनाएंगे, जार बना के उनके अंदर इन सबको हम धोएंगे। उसके बाद हमें चाहिए बहुत सारे कपड़े नहीं, जितने पेड़ होंगे उस हिसाब से कपड़े चाहिए। अगर इस पेड़ के लिए चाहिए तो मुझे सिर्फ यही काफ़ी है, ये मैं आपको बताऊँगा पहले वॉश करने के बाद। अगर आपके पास ये कपड़े नहीं अवेलेबल, इसका एक और हल भी है मेरे पास, वो है कि इसके अंदर गत्ते डाल दिए जाएं, उनसे इनकी शेप बिल्कुल सही हो जाती है। तो चलिए ये मटेरियल को बनाते हैं, बनाने के बाद आपको दिखाते हैं। ये टप ले लिया हमने, तो टप इधर रखते हैं। हाँ, आप लोग एक ये ब्रश चाहिए। ब्रश किस लिए होगा? इसके अंदर वगैरह जो गंद गुंद साफ हो उसको मान के, तो निकालने के लिए। तो ये हमारे पास ब्रश आ गया। आप लोग सोच रहे हो कि भाई इतना बड़ा टप, भाई मेरे 3 पेयर हैं इस वजह से इतना बड़ा टप है, जिसका 1 पेयर है वो छोटे से टप में भी कर सकता है, यानी इसी के अंदर ही कर सकता वो। तो चलो फिर मिक्सचर बनाते हैं, तो फिर आपको मिलते हैं। भाई यार इस टाइम पर ये टप भर रहे हैं हम, तकरीबन हम इस टप को इतना करेंगे हाफ फिल करके। तो ये जो आपको हमने मटेरियल दिखाया, ये सारा मटेरियल हम डालेंगे इसके अंदर डाल के, तो फिर हम इसको करेंगे साथ। तो यार सबसे पहले हमने ये दो एक पेड़ लिया और इसको इसके अंदर भिगो दिया। बाद लोग कहते हैं ये तो भाई दुलई होते हैं, इनको भिगोने का क्या फ़ायदा। ये देखें जैसे ये भीगता गया तो इसकी लादर सारा गीला हो गया ऊपर से। तो अब इसके ऊपर जब ब्रश बजेगा तब
दिन ऐसे धूप में पड़े रहेंगे, रात को इसको फिर अंदर कर दिया जाया करेगा, फिर सुबह बाहर निकाल के रख दिया जाया करेगा। मुकम्मल तौर पर जब खुश्क हो जाएंगे तो फिर इनके ऊपर अगला काम किया जाएगा। शिवदो के छत पे पड़े 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, तो अब जाके देखने का मौका है कि जाके देखा जाए उनका कलर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि वॉश करने के बाद सब ब्राउन हो जाता है। और एक चीज़ का मुझे डर था कि छत के ऊपर कहीं बारिश ना हो जाए, क्योंकि मौसम अल्टीमेटली चेंज हो रहा है, कभी सूरज निकल आता था कभी बादल आ जाते। तो चलिए फिर आपके साथ चलते हैं ऊपर, देखते हैं शिवदो का, शिवदो की क्या कंडीशन है। तो लग तो रहे हैं कि अच्छे हैं। तो गायत्री, ये शिवदो की कंडीशन है, ये अपना ओरिजिनल कलर निकाल रहा है और ये वैसे का वैसे सख्त हो गया जैसे ओरिजिनल ब्रांड शूज होते हैं। इसके अलावा ये इस शूज को तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये शूज इस किस्म के निकलेंगे, इस किस्म के ये शूज़ सीधे हो जाएंगे जिस किस्म के पड़े थे पहले। और ये हमारे भाईजान फुल टाइट हो चुके हुए, लेकिन आपको भी लगेगा कि जैसे कि ये सब खुशक हो गए हमें, क्योंकि गर्मी इतनी है बंदे खुशक हो रहे हैं तो जूतों का क्या। चलिए आज की रात इनका कपड़ा रन देते हैं, 2-3 धूपे लगवाएंगे इन्हें, और 2-3 धूपे लगवाने के बाद फिर इनके ऊपर अगला प्रोसीजर शुरू करेंगे। आज हमारे शुरू को 3 दिन धूप में लगे पूरे हो गए, तो अब टाइम आ गया इनके अंदर से कपड़े निकालने का। तो चलिए फिर इनके अंदर से कपड़े निकालते हैं और फिर आगे का प्रोसीजर बताते हैं आगे क्या करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके ये लेसिस नहीं उतारेंगे, सिर्फ इनके अंदर ये जो मैंने गत्ते वगैरह डाले हुए थे तो ये आपके सामने हम निकालते हैं। ये हो गया है, चलिए आप इसके इन सभी के अंदर से ऐसे निकालते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं क्या। इसके अंदर गंद वगैरह सारा निकाल दिया गया, तो अभी आप देख सकते हैं बगैर किसी चीज़ के ये लोग किस हद तक सही हो चुके हैं। अब इनको अंदर भी दबाएंगे ये वापस से सही हो जाएंगे, तो इनके शेप वगैरह आप सही हो चुकी है, क्योंकि अगर आगे से भी दबाएं तो ये सही है। और इसके अंदर से भी निकाल दिया गया और इसके अंदर से भी, तो चलो इनके भी शेप वगैरह सारी सही हो गया। अब इनके अंदर एक चीज डालनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कपड़े निकालने के बाद जैसे कि आपने देखा है कपड़े निकालते हैं, तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ये शू कार्ड। ये आपको कहीं भी दुकान से मिल जाएंगे जहाँ से जूते का मटेरियल मिलता है, अगर आप कसूर में रहते हो तो आपको ये मिल जाएंगे विनायकों के बच्चे से, या आपको मिल जाएंगे बाबे बुल्ला शाह के पास से। तो ये इतने कॉस्टली नहीं होते, ये आपको 10-15 रुपए के अंदर ये आपको इतने को दे देंगे कि जितने के आपके शूज़ हैं, मैंने 8 हैं, तो आपको 10-15 रुपए में इतने के मिल जाएंगे। चलिए अब ये लगाते हैं। अब इनमें शू कार्ड डाल चुके हैं, तो एक और धूप इनको लगवानी है बस, जिसके अंदर से इनके अंदर हवा वगैरह चली जाए और अंदर की इनका जो बनवर वगैरह लगा था वो खुश्क हो जाए। उसके बाद फिर इनको पॉलिश करवाएंगे हमारे शूज तैयार। शूज़ के फाइनल स्टेप की तरफ, आज फ्राइडे 4 दिन हो गए हमारे शूज को धूप लगे, अब उनको पॉलिश कराने का टाइम हो गया। चलो फिर पॉलिश कराने चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हम आ चुके हैं एक दुकान के पास, ये दुकान है ट्रैवल होटल के बिल्कुल सामने, आप ट्रैवल होटल बिल्कुल सामने दुकान, तो आप दिखाते हैं वो कैसे कर रहे हैं। बैठे हुए हैं इधर, इनके पास लेसी बेल्ट हर चीज़ आपको मिल जाएगी जूतों की, इंक्लूडिंग स्वाद। तो ये यहाँ पर पॉलिश हो रही है, पॉलिश होती है, पॉलिश के बाद देखते हैं कि ये कैसे करते हैं लेसी वगैरह के, मैं अपनी च्वाइस करूँगा। चलिए फिर पॉलिश होती है तो फिर आपको हम मिलते हैं। फाइनली सारा कुछ हमने कर लिया, उसको पॉलिश करा दिया, अब आपको हम दिखाते हैं फाइनल रिजल्ट कि फाइनल रिजल्ट क्या आया, किस कमाल के शूज़ लग रहे हैं, फुल ब्रांडेड शूज़ लग रहे हैं, अभी डिब्बे से नहीं निकाले हो। तो लेट्स गो, ये रहे हमारे शूज़, चेक करो।